जनपद के कस्बा गुरसहायगंज के निकट जीटी रोड स्थित पूर्वी बाईपास के करीब ईंट भट्टा पर बाल मजदूरी करते बच्चे नजर आ रहे हैं। इसे गरीबी की मार कही या देश का दुर्भाग्य, जिन बच्चों के कोमल हाथों में किताबें होनी चाहिए वे हाथ मजदूरी कर रहे हैं। इन कार्य करते मासूमों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ शिक्षा पर भूख हावी हो रही है। यहाँ बाल मजदूर दो स्कून की रोटी कमाने के लिए दिन भर कड़ाके की ठंड में पूरा दिन काम करते हैं। ये मासूम अपना बचपन चंद रुपयों में बेचकर अपने परिवार के साथ आजीविका चलाने का मजबूर है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को शायद ही इनकी फिक्र होगी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि केंद्र व प्रदेश सरकार की करोड़ों रुपए की योजनाएं धूमिल होती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि यदि वे काम ना करें तो घर पर चूल्हा ही नहीं जलेगा। उन्हें पढ़ने का शौक है, लेकिन खाली पेट तो पढ़ाई भी नहीं होगी। स्कूल में एक समय का खाना मिलता है, बाकी समय वे क्या करेंगे? बाल मजदूरी को रोकने के लिए चाइल्ड लेबर एक्ट का प्रावधान है, लेकिन 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ढाबों, रेहड़ियों व दुकानों पर कार्य करना गलत है। इसके लिए सरकार ने एक्ट बनाए हैं। इस मामले में दोषी पाए जाने पर मालिक पर 10,000 रुपए जुर्माना व 2 साल की कैद हो सकती है, लेकिन फिर भी इस कानून को दो किनार कर बच्चों से बाल मजदूरी कराई जा रही है। कन्नौज से संवाददाता शुभम कटियार की रिपोर्ट। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।